बिग बॉस चाहते हैं फार्म हाउस पर किसी को बुलाया जाए। ये वीडियो किसी भी रियल पर्सन या शो का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, तो वीडियो को सीरियसली ना लें। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो वीडियो को एंजॉय करें। और वीडियो में जो बच्चे का किरदार निभा रहा है वो कोई माइनर नहीं है, वो मैं ही हूँ जो बच्चे का रोल प्ले कर रहा है। रात जब एक के नीचे दो लटक रहे थे। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? बच्चे भी अलाउड है बिग बॉस में? तोतला हूँ, बत्ता नहीं। और जिसे तू बच्चा समझ रहा है, देत वही लेते जाएगा बिग बॉस की ट्रॉफी। अच्छा, चलो देखते हैं। क्या देखते हैं जी? मैं यहाँ पे ये शब्द दिखाने नहीं आया। मैं बिग बॉस जीतने की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा यार, ये यूट्यूबर्स है ना, इनका थोड़ा ऐसा ही है, ये बदतमीज होते हैं। अभी तो एक और भी आ रहा है, शायद पुनीत करके। पुनीत नहीं, लॉर्ड पुनीत थूपरस्टार। हाँ जो भी है। है कौन ये? Yes! यो मेरे चाहने वालों, ये कौन है? शायद वही है। तो कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों? ये आजकल के नल्ले छपरी बेरोजगार टीवी एक्टर्स कस्सी गलोनी के 2-3 सीरियल्स करने के बाद खुद को बहुत बड़ा एक्टर समझते हैं और यूट्यूबर्स की बुराई करते हैं। इन्हें क्या पता इन जैसों को दिल्ली की सड़कों में जेम में लेके घूमता है पुनीत सुपरस्टार जेम में। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। आपसे बात ही कौन कर रहा है? थोड़ा तमीज से रहिए, ये आपका नहीं बिग बॉस का घर है। अबे चल निकल। अरे पुनीत भाई बैठो बैठो, लो थोड़े ठंडे हो जाओ, पानी पियो। भाई भाई पागल है क्या ये? तो कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों? मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आईडी का नाम है पुनीत सुपरस्टार और अब तो ब्लू टिक भी लग गया है। सुबह कितने बज रहे हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी रात की उतरी नहीं है। यार क्या पागल है ये, पूरी रात चिल्लाया है, मेरा तो सर दर्द हो गया। बॉस आओ, सालो लौट गया। आज मैं चुप नहीं रहने वाली, मैं इसे सुना दूंगी। अरे यार छोड़ो ना, वो जानबूझ के कर रहा ताकि तुम उसे अटेंशन दो। और वो फुकरा नोनू देख रहे हो, उसके साथ उसकी बहुत बन रही है। हाँ वो उसके साथ पता नहीं कैसे एडजस्ट कर पा रहे। दोनों एक ही ट्यूब पे सवार है ना, दोनों यूट्यूबर है। सही बात है, टीवी एक्टर्स का अपना ग्रुप है क्योंकि हमारा माइंडसेट सेम है। सुबह 9:30 बजे। तो दोस्तों नहा चुका हूँ मैं, नहा के मैंने फिर से कल रात वाली कपड़े पहन लिए हैं। बिग बॉस मुझे मेरी 2 नंबर की पोजीशन पे वापस लाओ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे यहाँ पे बेड भी नसीब नहीं हुआ। भाई तू मेरा बेड ले ले तो ही बात नहीं। नहीं भाई मुझे तुम्हारा बेड नहीं चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए जो मेरी जनता ने मुझे दिया। जब मेरी जनता ने मुझे 2 नंबर पे खड़ा किया था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुनीत सुपरस्टार को 12वें नंबर पे लाने की? अरे 25,000 करोड़ की 4 फिल्में साइन कर रखी है मैंने, और जिसने मुझे 12वें नंबर पे लाके खड़ा किया उसमें इतने जूते मारूंगा मुझे सॉरी बोलेगा वो जिसने मुझे 12वें नंबर पे लाके खड़ा किया है, और मुझे मेरी 2 नंबर की पोजीशन दो फटाफट। तू थकता नहीं क्या भाई? अबे जाना, तुझसे बात कर रहा हूँ क्या, जाके अपना काम कर। तमीज से बात करना सी। मैं ऐसा ही हूँ भाई। प्लीज चुप हो जाओ यार, सर दर्द हो रहा है। हाँ तो जाके दवाई खाओ ना, मुझे क्या बता रही हो, मैं तुम्हारा सर थोड़ी दबाऊंगा। तुम सबसे ऐसे ही बात करते हो। Yes! तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये लोग जानबूझ के आके मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन लोगों को टीआरपी मिले, क्योंकि अपने दम पे तो इन्हें टीआरपी मिल नहीं रही। और आप सब तो जानते हो पुनीत का दूसरा नाम टीआरपी और टीआरपी का दूसरा नाम पुनीत है। पागल है भाई ये। दोपहर हुआ बजे। इरिटेट करके रख दिया यार इसने। करो करो मेरी बुराई करो, बराबरी तो तुम कर भी नहीं सकते। हम अपनी बात कर रहे हैं, कोई आपकी बात नहीं कर रहा है। अरे मुझे मत बताओ, तुम जैसे नल्ले छपरी बेरोजगार लोग जानबूझ के बैठ के कैमरे के आगे पुनीत सुपरस्टार की बात करते हैं ताकि तुम लोगों को टीआरपी मिले और तुम लोगों को बिग बॉस की ट्रॉफी मिल जाए। लेकिन बिग बॉस की ट्रॉफी का एक ही हकदार है पुनीत सुपरस्टार, तो बिग बॉस क्यों अपना और मेरा टाइम खराब कर रहे हो? फटाफट मुझे ट्रॉफी दो, मैं निकलूं यहां से क्योंकि मेरे पर टाइम भी नहीं है। बाहर मेरी 1,056 करोड़ की गाड़ी में मुझे जाके घूमना है। 1,056 करोड़ की कौन सी गाड़ी आ गई? अरे तुम्हें क्यों बताऊं मैं, तुम क्या मेरे फूफा की बेटी लग रही हो? जाके अपना काम करो। ऐसा है बहुत हो गया, अब अपना मुंह बंद रखो। मेरा मुंह मैं जो मर्जी बोलूं, मैं चाहे ये बोलूं, मैं चाहे वो बोलूं, मैं चाहे यहां जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, तुम्हें क्या? मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं, मैं किसी की नहीं सुनता। बहुत बोल लिया तुमने, अब तुम मेरी सुनो। क्यों सुनूं, मैंने क्या तुमसे कर्जा लेके खा रखा है क्या? ये वॉशरूम में लास्ट तुम गए थे भाई, ये ऊपर सीट गंदी कैसे हो रही है? भाई मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी करी है, मेरे से पहले भी तो 10 बंदे गए हैं। तो तुमने नहीं करा? भाई मैं क्यों करूंगा, मैं तो सिर्फ ये करने गया था। तो किसने करा? अबे भाई मुझे क्या पता, मैं क्या यही देखता रहूंगा कि वॉशरूम कौन जा रहा है? तुम्हारे होंगे ऐसे शौक, मेरे नहीं है। बिग बॉस चाहते हैं सभी घर वाले 200 की स्पीड से लिविंग रूम में एकत्रित हो, चाहे अपने 2 पैरों पर चल के, चाहे अपनी 3री टांग का इस्तेमाल करके। आई लव यू बिग बॉस, मैं तो यहीं बैठा हूँ। बिग बॉस लाओ फटाफट मेरे को ट्रॉफी दे दो, क्योंकि सबको पता है कि असली विनर पुनीत सुपरस्टार ही है, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? और वैसे भी मेरी 335 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरा वेट कर रही है और मुझे 3 जगह से 20-20 हजार रुपए किराया भी उठाना है। बस 2 मिनट चुप बैठ जा भाई,
दो मिनट थुन ले। एक सदस्य ने सबको बहुत परेशान कर रखा है, तो हमें भी उसी रवैये में बात करनी पड़ रही है। तो पुनीत, ये बात अच्छे से जान लीजिए, आप किसी भी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये आपको लास्ट वार्निंग मिल रही है। भाई देख, ये बिग बॉस है, थोड़ा सा थम जा, वरना ये निकाल देंगे यार। हाँ तो निकाल दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गलत क्या बोल रहा हूँ, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ भाई। अबे यार देख बात समझ, जिस बद्दे इसके 5 मिलते हैं ना, उससे 50 मिलेंगे फिर। वो सही कह रहा है पुनीत, समझो बात को। चलो ठीक है, थैंक गॉड आपने बात को समझा। ये नहीं सुधर सकता। अरे पूरी रात ठंड में सोया हूँ मैं, मुझे मेरी 2 नंबर की जगह वापस दो फटाफट। तो दोस्तों देख रहे हो कितना गलत किया इन्होंने पुनीत सुपरस्टार के साथ, तो मुझे मेरी 2 नंबर की जगह वापस दो अभी के अभी। ओ भाई चिल्ला मत, ये तेरा घर नहीं है। अबे चल निकल, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, तेरा घर भी नहीं है ये। हाँ कर लो कैमरा नीचे, कितने कैमरा नीचे करोगे। पुनीत सुपरस्टार अपनी 2 नंबर की जगह लेके रहेगा वो अपनी जगह। तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा पुनीत सुपरस्टार के आगे, झुक के रहना पड़ेगा तुम्हें। करे जा रहा है बिग बॉस, कहना चाहते हैं ये घर भूतिया है, और अभी के अभी जो हॉल में आए वो सबसे बड़ा दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है बिग बॉस, थब यही है, आप बोल सकते हो। बिग बॉस ने सभी की दोनों गोलियों को देख लिया है। अच्छा सॉरी स्क्रिप्ट गलत हो गई। बिग बॉस कहानी के दोनों पहलू को देख चुके हैं, कुछ सदस्य पुनीत के साथ एडजस्ट करके रहना चाहते हैं, कुछ नहीं। तो अब सदस्यों के फैसले जानने के बाद बिग बॉस अपना फैसला सुनाएंगे। तो नूनू, क्या आप पुनीत के साथ एडजस्ट कर पाएंगे? रहने देना अच्छे से प्लीज। अरे तुम अपने दिल की बात बोलो यार, कोई बात नहीं। नूनू इधर उधर ना मराए, बिग बॉस ने आपसे हाँ या ना पूछा है। बिग बॉस वो कह रहा है वो सुधर जाएगा, तो मुझे तो दिक्कत नहीं है रहने में, मैं रह लूंगा। साहिल आप अपना फैसला सुनाए। मैं नहीं रह पाऊंगा बिग बॉस, क्योंकि हमने इसे बहुत समझाया लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। और इसे उन्होंने हाँ या ना पूछा, तुम ऐसे क्यों सुना रहे हो? पापा की परी, आपका क्या फैसला है? नहीं बिग बॉस, मैं नहीं कर सकती एडजस्ट। क्योंकि ज्यादातर सदस्यों का यही फैसला है कि वो पुनीत के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। मुझे जरूरत भी नहीं है तुम्हारे शो में रहने की, मेरे ड्राइवर को बोल दो मेरी 1056 करोड़ वाली गाड़ी लेके मुझे पिक करने आ जाए। तू नहीं थुदरेगा भाई। तो दोस्तों आ रहा हूं मैं बाहर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक एक रेडी वाला, सब्जी वाला, फ्रूट वाला, रिक्शे वाला, ये वाला, वो वाला, यहाँ वाला, माँ वाला, सबके मुंह पे सिर्फ पुनीत सुपरस्टार के नाम का चर्चा होगा।